नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सब के चारों तरफ जो ये प्रकृति है, जो ये नेचर है, ये हम सब को सही तरीके से जीवन जीने के लिए कई संदेश रखती है। हम पर निर्भर करता है कि हम इससे क्या ले सकते हैं। और आज मैं प्रकृति के अनेकों गुणों में से जिस गुण को लेकर के आपसे बात करना चाहता हूं, वो हम सबको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति का हर अंग हमारे लिए संदेश रखता है। नदियां हमें हमेशा चलते रहना सिखाती हैं। ये विशाल पर्वत, ये विशाल धरती जो हम सबको थामे हुए हैं, ये हमें विशाल हृदय का होना सिखाती है। इसी तरह से प्रकृति का एक गुण सब्र होता है, पेशेंस। सूरज को देखिए, तुरंत उगता है क्या? चांद को देखिए, तुरंत आता है क्या? दिन रात क्या कभी भी हो जाते हैं? मौसम तुरंत परिवर्तित हो जाता है क्या? इन सब में एक समय रहता है, इसीलिए हम स्वस्थ रहते हैं। सोचिए यदि ये कैसे भी हो जाए, कभी भी हो जाए, तुरंत हो जाए, तो हमारी क्या हालत हो? जोरों की गर्मी पड़ रही हो और तुरंत ठंड हो जाती है तो हमारी कैसी हालत हो जाती है? प्रकृति इससे हमारे लिए एक बड़ा संदेश निकाल करके देती है, वो है अपने भीतर सब्र रखना। बड़े काम, महान काम, बेहतरीन चीजें धीरे धीरे होती हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। और वो समय हमें उस विषय को और गहराई से समझने का अवसर देता है, हमें बेहतर करता है, हमें तराशता है। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, एक वरदान के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते थे और ईश्वर हजारों वर्ष की उनकी तपस्या को देख करके उसके बाद वो उनके सामने प्रकट होते थे और वो वरदान देते थे। अगर उनमें सब्र नहीं होता तो कैसे होता? अगर भागीरथी में सब्र नहीं होता तो गंगा कैसे आ पाती? कैसे हम सब तरते? हर बेहतरीन चीजों में, हर महान कामों में थोड़ा समय लगता है। अपने भीतर धीरज रखिए, अपने भीतर सब्र रखिए, धैर्य रखिए, चीजें जरूर बेहतर होंगी। आप अपना काम बेहतर तरीके से करते रहें, आप अपने काम को पूरे जिम्मेदारी से करते रहें, आप चाहे कोई तैयारी कर रहे हों, किसी व्यवसाय में हों, जिसमें भी हों, उतार चढ़ाव तो जीवन के हिस्से हैं, वो आते रहेंगे। बस आपको अपना काम जिम्मेदारी से करते रहना है, जो चुनौतियां आए उनका सही तरीके से, समझदारी से सामना करते रहना है। ईश्वर आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। वो कहते भी तो है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बस थोड़ा सब्र करिए। परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा, देर से नहीं, समय से ही मिलेगा। बस आप अपने काम पे लगे रहिए। हमें प्रकृति के काम करने के इस तरीके को जीवन में अपनाना ही चाहिए। ये हमारे जीवन को सही तरीके से जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए धीरज रखिए, प्रकृति के इस तरीके को अपनाइए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।